is a computing hardware. It is used to store data files and objects in your computer permanently and temporarily. Storage device by using a computer. Storage device में एक computer में data store करने के लिए होता है जिसमें हम अपनी file object store करते हैं permanently और temporarily. Types of memory. Memory दो types होती है, primary और secondary, जिसे हम internal और external memory कहते हैं. Internal memory direct access होती है CPU से और external memory में हम long term के लिए data store करते हैं. History of storage device. पुराने टाइम में कंप्यूटर में डाटा स्टोर करने के लिए पंच कार्ड का यूज होता था, पंच कार्ड पेपर से बने होते थे. स्टोरेज डिवाइस थ्री टाइप्स होते हैं, ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस, मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस और फ्लैश मेमोरीज. ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस में सीडी, डीवीडी और ब्लू-ray आते हैं. सीडी का स्टोरेज 70 MB तक होता है. ये पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक से बनी होती है और इसकी शेप सर्कल, डीवीडी की भी शेप सर्कल होती है. और ये दो टाइप्स की होती है, सिंगल लेयर और डबल लेयर. जो सिंगल लेयर डीवीडी होती है उसमें स्टोरेज 4.7 GB तक होता है और जो डबल लेयर डीवीडी होती है उसका स्टोरेज 8.5 GB तक होता है. ब्लू-ray डिस्क का मोस्टली यूज गेमिंग के लिए किया जाता है और ब्लू-ray की शेप डीवीडी और सीडी से छोटी होती है और उसका स्टोरेज 25 GB तक होता है. मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस. मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस दो टाइप से होते हैं, फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क. फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क हमारे कंप्यूटर के सीपीयू के अंदर होती है. फ्लॉपी डिस्क का यूज एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा ट्रांसफर करने के लिए होता है. और हार्ड डिस्क भी हमारे सीपीयू के अंदर होती है, इसमें हमारा कंप्यूटर में सारा डाटा स्टोर होता है. फ्लैश मेमोरी डिवाइस पैन ड्राइव, एसडी कार्ड और मेमोरी कार्ड होते हैं. पैन ड्राइव का यूज भी डाटा स्टोर करने के लिए होता है. साइज में छोटी होती है और 8 GB से 256 GB तक आती है और उससे इजीली डाटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, लैपटॉप में, किसी भी डिवाइस में इजीली ट्रांसफर हो जाता है. सीडी का स्पेस 2 GB, 4 GB, 8 GB से ज़्यादा तक आता है और इसका यूज भी डाटा स्टोर करने के लिए होता है. लेकिन इसका मोस्टली यूज फोन कैमरा में यूज होती है.